अस्सलामुअलैकुम गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ब्लॉग कुछ नया होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग हैं दीड़ा में, गंगा किनारे। आज जो ये दीड़ा में है, यहाँ कुछ बस्ती हुआ करता था, एक से दो साल पहले कट चुका है, तो ये बस्ती तितर बितर हो चुका है, इधर से उधर चला गया। अभी फ़िलहाल कोई घर है ही नहीं, एकदम बिल्कुल गंगा आगे आ चुका है। हम लोग गंगे के किनारे खड़े हैं, तो आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी आए हैं बंगाल से, वो भी घूमने। तो वो भी कह रहा था कि चलो आज गंगा किनारे ही कुछ ब्लॉग शूट कर लेते हैं और सब दोस्तों को दिखा भी देते हैं और टाइम पास भी थोड़ा हो जाएगा हम लोगों को। तो आज आप लोगों को फाइनली मैं गंगा का पूरा वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ की लहरें दिखाऊंगा और यहाँ ठोकर जो बांधी गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मज़ा लीजिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये पीछे कैमरा से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेसिंग दिखाता हूँ। आपको नज़र आता होगा ये बोरा और यहाँ की रस्सी। इस बोरे में भरा हुआ मिट्टी है और ये रस्सी से इसको बांधा हुआ है, और इसके नीचे भी बहुत बड़े बड़े पत्थर बिछाया हुआ है, क्योंकि ये पत्थर जो है नदी को खोदने के बाद, उसको गड्ढा करने के बाद नीचे से देकर आते हैं। और इस बार अल्लाह की रहम करम से यहाँ की कटाव रुक गया है। इस यहाँ जो बोरा है, हम जहाँ भी चल रहे हैं इसके नीचे भी बोरा पड़ा है और इस बार ये मिट्टी पड़ा हुआ है। आप सोचेंगे कि ये मिट्टी आया कहाँ से? नदी जब काटता है तो इधर की लहर जब उधर जाती है तो मिट्टी ये धो धा के इधर से आके इधर जम जाता है, और जिधर जम गया उधर ही मतलब सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है और नदी का कटाव रुक जाता है। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल ये बाली बाली सा है, इसके नीचे पत्थर ही पत्थर है, जहाँ ठोकर हैं जिनको ठोकर बोला जाता है, ये ठोकर बांधा हुआ है। इस बार सक्सेस हो गया है, इस बार भी नदी कटाव हो रहा है। ऐसा नहीं कि कटाव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मनिहारी के पास जो गांधी टोला पड़ता है उस इलाके में हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं नदी का थोड़ा उतावला दिखाता हूँ, तूफ़ानी दिखाता हूँ। आइए देखिए, हम आपको यहाँ का पानी का जो स्पीड है, उनकी लहर है, वो भी मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल समुद्री के जैसे, जैसे समुद्र में लहर उठते हैं बिल्कुल शाम 4 बजे, वैसे ही गंगा में लहर उठता है। आपको दिख रहा होगा कि जैसे देखिए यहाँ लहर आता है। तो चलिए मैं आपको पूरा गंगा का प्रोसेसिंग दिखाता हूँ। ये सूर्य अस्त होने वाला भी है, लेकिन आपको ये सूरज कम दिख रहा है क्योंकि ऊपर। तो दोस्तों आपको लग रहा है कि सूरज डूबने वाला है, सूरज अभी फ़िलहाल 1 घंटा नहीं डूबेगा, अस्त नहीं होगी, क्योंकि अभी बादल छाया हुआ है, इसलिए लग रहा है कि सूरज डूबने वाला है। तो अभी शाम का 4:30 ही बज चुका है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ सूरज जो है 5:30 बजे अस्त होगी, डूबेगी। तो चलिए हम अभी थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर से आपको दीड़ा का पूरा नज़ारा दिखाने का मैं आपको दिखाऊँगा। तो पहले आप देखिए कि ये नदी जो है बहुत बड़ा नदी है, गंगा नदी बहुत बड़ा है, इसका नाम भी मशहूर है मनिहारी गंगा के नाम से। अगर आप सर्च करेंगे तो मनिहारी गंगा आएगा। और चलिए मैं दिखाता हूँ कि दीड़ा का पहला गांव जो था, ये देखो मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ, ये काला काला सो दिख रहा है वो मिट्टी का ढेर है, क्योंकि जब नदी इधर से उधर कटता है तो ये मिट्टी अपने आप जम जाता है। तो पहले दीड़ा का गाँव वहाँ हुआ करता था, और दीड़ा के गाँव से करीबन 3 किलोमीटर दूर ये नदी था। जब 3 किलोमीटर कटने के बाद दीड़ा का गांव भी नष्ट हो चुका है, और दीड़ा के गांव से 1.5 किलोमीटर आगे आ चुका है, और अभी बांध यहां से करीबन 500 से 600 मीटर दूरी पर है, इतने ही दूरी पर ये गंगा नदी है। लेकिन अल्लाह के रहम करम से इस बार कटाव रुक गया है, इधर और उधर कटाव हो रहा है। अल्लाह करे कि ये कटाव रुक जाए। आप लोग भी दुआ करें कि ताकि आगे वाला गांव जो है वो ना कटे, नहीं तो सबको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और दीड़ा का मैं कुछ खास चीज़ें भी आपको मैं दिखाऊंगा। आपको ये जाल वाल दिखाई दे रहा है, इसमें मछली मारे जाते हैं मछली, और गंगा में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मछली होते हैं, सुंदर सुंदर नहीं मतलब हर क्वालिटी के मछली होते हैं तो मारते हैं। चलिए मैं दीड़ा का कुछ खास बात आपको बताते हैं। आपको ये नज़र आता होगा, क्योंकि ये दीड़ा का सबसे उत्तम और सबसे फर्स्ट फसल है कलाई। क्या आप लोगों के उधर कलाई होता है, कलाई बुनते हैं या नहीं? आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपके उधर कलाई का खेती हुआ करता है या नहीं। क्योंकि अभी बाढ़ भागने के बाद, यानी कि बाढ़ सूखने के बाद, जब ज़मीन पर थोड़ी बहुत पानी रहते हैं तो उसी टाइम कलाई छेड़ दिया जाता है, और ये कलाई जो है फर्स्ट फसल है। ये कलाई को काटने के बाद इसमें, इस खेतों में गेहूँ मक्का का उपजाऊ किया जाएगा, तो और उसके बाद खेसारी, अरहर, चना ये सब भी
उपजाया जाता है यहाँ, और सब्जियाँ भी उगते हैं। और गर्मी के टाइम में जब गेहूँ के टाइम होता है तो यहाँ ककड़ी, बखारी, सौंस मतलब खीरा, तरबूज ये सब भी यहाँ उगाया जाता है। तो दीड़ा में बहुत ही खूबी है, और दीड़ा में रहने सहने का मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ की आबो हवाएँ मस्त हैं, यहाँ के आदमी बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि यहाँ की हवा पानी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। इधर के आदमी बहुत खूबसूरती भी होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, फुर्तीला होते हैं। तो आप किधर से हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हम इधर से हैं, क्या आपके गांव के पास से भी गंगा गुजरता है, क्या आपको भी तैरना आता है। तो आप अगर इस बार, क्योंकि मैं आपसे ही बात करता हूँ, अगर आप हमारे साथ कमेंट में बात करेंगे तो हमारे मन को भी अच्छा लगेगा कि भाई आपके उधर गांव है कैसा है, आपका मौसम कैसा चल रहा है, आपको उधर नदी है या नहीं, बाढ़ होती है या नहीं। तो आपसे भी बात कर लेंगे तो हमारा दिल को भी सुकून आएगा, हमें भी थोड़ा मज़ा आएगा। तो आखिर में जाते जाते आप लोगों से ये निवेदन ज़रूर करूंगा कि अभी तक भाई अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि और हाँ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के चलते मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आपका ये एक लाइक मुझे अंदर से बहुत एनर्जी देता है। तो चलिए मैं बंगाल का भाई से भी आपको मिलाता हूँ। और ये हमारे भाई जो बंगाल से आए हुए हैं वो थक गए हैं, ये इनका घर तो और भी गंगा के किनारे हैं, क्योंकि एक तरफ गंगा है और दूसरा तरफ महानंदा जिनको फुलौर भी बोला जाता है वो नदी। तो ये कह रहा था कि चलो आज गंगा किनारे चलते हैं और वहाँ का कुछ नया नज़ारा देखते हैं और ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो भाई आपको कैसा लगा यहाँ आने के बाद, आप थक गए हैं लग रहा है, बैठ बैठ के मज़ा ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ हवा भी बहुत मस्त चल रहा है और अभी टाइम भी शाम का है और गंगा में भी उफाल मार रहा है बिल्कुल समुंदर की तरह, जैसे मैं आपको दिखाया भी हूँ कि। तो दोस्तों मैं अभी तक आपको सामने दीड़ा का नज़ारा दिखाया और दीड़ा की बातें कर रहे थे, लेकिन उसका पड़ोस वाला गांव जो हटकोला है, इस तरफ हटकोला का गांव भी हुआ करता था, ये मैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी दे देता हूँ। क्योंकि हटकोला का गांव भी 500 घर का करीबन था और वो भी नदी में नष्ट हो गया है, और इधर के लोग भी इधर कहाँ कहाँ ना जाने घर बसाए हैं, वो भी बहुत तितर बितर हो चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा जूमिंग करके दिखाऊंगा कि इधर भी हटकोला का गांव हुआ करता था, दीड़ा से करीबन 1 किलोमीटर दूर यह हटकोला का गांव हुआ करता था। तो ये हमारे भाई आके बिल्कुल ही थक गया है, थोड़ा सा चला और थक गया, जबकि दीड़ा का आदमी है, तंदुरुस्त है, फिटनेस भी यहाँ अच्छे बनते हैं, मस्त रहते हैं, तो भी थक गया, बोल रहा चलो बैठ बैठ के ही हवा लेते हैं, हवा का मजा लेते हैं। क्या भाई थक गए हैं, क्यों दीड़ा आए हैं घूमने के लिए, आपका भी घर तो दीड़ा ही है, लेकिन इधर का भी आनंद लीजिए चल के, बैठ बैठ के आप मोबाइल देख रहे हैं, क्या बात है, क्या करेगा, चलते चलते थक गए, चले ना और आगे चलते हैं, सब दोस्तों को भी दिखाते हैं, नमाज पढ़ेंगे, अभी टाइम है नमाज के भी टाइम है, क्योंकि अभी 4:30 बजा है, 10 मिनट तो लगेंगे चलने में घर जाने में, तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्त तो हम लोग फिर से घर की तरफ रुक कर लिए हैं, अब चल रहे हैं हम लोग घर, आपको ये पूरा नज़ारा तो दिखा ही दिया हूँ दीड़ा का। तो दोस्तों मैं जाते जाते और एक बात आप लोगों को बताना भूल ही गया था, इससे पहले मैं बांध का बात कर रहा था, तो चलिए मैं आपको इधर से थोड़ा बांध का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, और ये बांध जो बांधा गया है मैं इसके बारे में भी आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि ये बांध यहाँ आखिर कब बांधा गया था और ये गंगा नदी कब था। तो करीबन 1965 में ये गंगा नदी पहले इधर ही हुआ करता था, फिर इधर से गंगा उधर जा चुका था, जो दीड़ा का मैंने बताया कि दीड़ा से कम 3 किलोमीटर दूरी पर था। तो जब नदी उधर चला गया था तो इधर के इलाके को बचाने के लिए 1972 को ये बांध बांधना स्टार्ट किया था, और 1975 में यानी कि 3 साल में ये बांध का काम पूरा मुकम्मल कर दिया गया था। तो इसके कारण इधर के लोग थोड़ा बचे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आप कहाँ से हैं वो भी लिखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास से भी गंगा गुजरता है, आपको भी तैरना आता है या नहीं आता है वो भी लिखिएगा, क्योंकि हमको भी मज़ा आएगा कम से कम आपका ये बातें सुनकर, हम तो हमें भी बहुत खुशी होगी। और
जाते जाते एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक भैया मुझे अंदर से बहुत एनर्जी देता है इसी तरह का वीडियो बनाने का। अच्छा अच्छा वीडियो मैं बनाने का कोशिश जरूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। ये दोस्तों ये मेरा हाथ में है माचिस, माचिस आप समझ के ये समझ लेना कि मत समझ लेना कि आप माचिस से क्या करते हैं। ये माचिस मुझे रास्ता में मिला था तो मैंने हाथ में उठा लिया, क्योंकि ये माचिस बिल्कुल नया है। चलो ये घर पे काम आ जाएगा इसलिए हमने उठा लिया। दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं माचिस का भी माचिस आपके घर तक भेज दूँगा।